नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उदिकरी टेक्निकल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कह देता हूं, अभी अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, चाहे बाहर में भी चल रहा है। तो अभी आप लोग टाइम पास करने के लिए क्या यूज करते हैं अपना मोबाइल में, यूट्यूब को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस यूट्यूब के बारे में ऐसा एक खुफिया राज आपको बताऊंगा, जिस राज के बारे में आप लोगों को अभी तक पता नहीं हुआ है। तो इस यूट्यूब में ऐसा एक नया फीचर ऐड हो गया है, इस फीचर को देखते ही आप लोग पूरा चौंक जाओगे। जी हाँ, आप लोग पूरा के पूरा चौंक जाओगे। और जो लोग न्यू यूट्यूबर हैं, उन लोग के लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि उन लोग को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो क्या है ये? तो इस फीचर को अपना फोन में, अपना यूट्यूब में ऐड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इस YouTube एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने से पहले कैसा रहता है एंड अपडेट करने के बाद कैसा होगा, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा दिखाएंगे। तो मैं मेरा YouTube को ओपन कर दिया है। तो ओपन करते देखिए, मैं किसी भी एक वीडियोस को ओपन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको ओपन करता हूं, तो ओपन करने के साथ साथ दोस्तों ये तो वीडियो ओपन होता है, उसके बाद इसका नीचे में जो वीडियो आता है ना, आप लोग देखा है, देखिए ये छोटा छोटा आता है, ये जो फोटो दिखाई देता है छोटा छोटा दिखाई देता है, राइटिंग ऐसा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं इसके बारे में ही बताने वाला हूं, ये पूरा चेंज हो जाएगा, सारे के सारा सेटअप नया हो गया है। तो कौन सा सेटअप है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे सेटअप करना है, वो मैं आगे वीडियो में दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों देखते रहना इस वीडियो को। तो मैं इस यूट्यूब एप्लीकेशन को मैं प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपडेट होने के बाद ही ये सारे फीचर मिल जाएगा। तो मैं अपडेट में क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहां पे ये अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो उदिकरी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त गोपाल। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे इस अपडेट के बाद। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं रोज लाता रहता हूं। तो दोस्तों ये दोस्तों देखिए, ये मैं YouTube को अपडेट कर लिया है, तो मैं इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के साथ साथ दोस्तों ये ओपन हो जाता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आते ही दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ फीचर ऐड हुआ है, जो फीचर के बारे में मैं आज बताया है, जो नया यूट्यूबर के लिए भी बहुत ही अच्छा है, वो क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, तो प्ले करते ही देखिए प्ले तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका नीचे में जो वीडियो आता है, जो मैं इस वीडियो को पहले मैं बताया था छोटा छोटा था, छोटा छोटा आता था इतना दिन, देखिए अभी बड़ा बड़ा फोटो दिखाई देता है, थंबनेल बड़ा बड़ा दिखाई देता है। देखिए यहाँ से आप किसी भी वीडियो को यहाँ से आसानी से ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, इसको थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं जो इसका अंदर क्या है। तो ये जो फीचर यूट्यूब में ऐड हुआ है, ये बहुत दिन, ये एक हफ्ता पहले एप्पल में आ गया था इस फीचर, और एक हफ्ता बाद आ गया है ये एंड्रॉयड फ़ोन में। इस फीचर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि नया नया जो यूट्यूबर आता है उन लोग के लिए तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जिसका वीडियो का नज़र नहीं आता था लोगों को देखने के बाद, अभी से सब नज़र आ जाएगा, सब लोगों ने इसको इस्तेमाल करेगा। ऐसा करके फिर ये एक वीडियो देख रहा है, देखते देखते नीचे में थोड़ा सा देखेगा ये अच्छा लगता है, तो फिर उस वीडियो को भी प्ले कर देगा, इस तरीके से प्ले करेगा। तो है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोस्तों मुझे तो फाइनली बहुत ही मज़ा आया है, क्योंकि मेरा भी फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, इसलिए मेरा भी बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा इस फीचर को यूट्यूब का? तो मुझे तो फाइनली बहुत बढ़िया लगा, आप लोगों का कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतना ही है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।